मुख्य अंग इस प्रकार समझना चाहिए। इस जगह मिया मल्हार से सर्वाधिक मिलता है। उत्तरांग में म प ग म ध, ये म प ग म ध, इसमें ग म ध स्वर संगति जो आई है, यहाँ बागेश्वरी अंग ग म ध ध, ये स्वरूप बागेश्वरी से मिलता है। मिया मल्हार में भी इसी तरह के स्वर लगते हैं, ने दने सा। औरों में सा नीपा मापा कई रागों में आता है। मिया मल्हार में भी नीपा मापा और दरबारी अडाना में भी नीपा मापा आता है। तो इसमें ध गमारे सभी दरबारी में मिया मल्हार में अडाना में सभी में आते हैं, लेकिन दरबारी में शायद दैवत लगने से बाहर से अलग हो जाता है। वो वैसा ही अडाना में भी ये फर्क आएगा, लेकिन मिया मल्हार को इससे अलग करने के लिए एक तो मल्हार दिखाने के लिए रेप की संगति सारे प जो बाहर में कभी नहीं आएगी, इसमें उठा होगा सा म प, इस प्रकार से ये मिया मल्हार से अलग हो जाता है। राग का विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध, विलंबित ठेका ही थोड़ी लय बढ़ा के या प्रयोग किया जा रहा है। न और अवरों में
नी पा मा प ग म रे सा। इन स्वर संगतियों का प्रयोग करते हुए आलापचारी करेंगे। बोल जहाँ गाए जा रहे हैं वहाँ छात्र स्वरों से अनुकरण करें, और जहाँ स्वर गाए जा रहे हैं वहाँ बोल बनाने का प्रयास करें। Sani pa, gama tani sani pa.
Cavalera, cavalera,
बाबा गावे गावे सरनी सरनी बाबा गावे गावे सरनी सरलता में सीधा रो गवर मामा भगवर दर बाबा भगवर ने सर दर बाबा भगवर अलंकारिक गवर मदन दर गव गव ग मद मदन धन धन सनि बम पग मद सूत मिश्र तन गवर 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 भवनि भवनि बम पग धन सर धन सर धन सर सन स भवनि बम पग सर सर दूसरी लय में तान को देखें माम बप पग गव मरे Oh,
सम को बदलने से थोड़ी धुन बदल जाती है। बाल बाल Bye.
साथ बाकी के स्वर समूह को जोड़ेंगे। हरे हरे हाट दिया देव संत ने अजी